मध्य प्रदेश का मौसम अब पूरी तरह से पलट चुका है। राज्य में किसी भी तरह का मानसून सिस्टम एक्टिव नहीं है। इससे मध्यम या भारी बारिश के आसार खत्म हो गए हैं। हालांकि कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी और हल्की बौछारों की संभावनाएं जरूर हैं। प्रदेश के सभी जिलों में आसमान अब पूरी तरह साफ हो गया है। बादलों के छंटने से कड़ी धूप निकलने लगी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अब तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है, यानी गर्मी और उमस लोगों को फिर से परेशान कर सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि एक ट्रफ लाइन मध्य प्रदेश से गुजर रही है। ये ट्रफ लाइन मौसम की गतिविधियों पर असर डालने की बजाय मौजूदा मौसम को और भी गर्म बना सकती है। इसके चलते प्रदेश में तापमान बढ़ेगा और नागरिकों को अधिक गर्मी का सामना करना पड़ेगा। वर्तमान में हवाओं में हल्की नमी है जो पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर बह रही है। इससे प्रदेश के कई हिस्सों में हल्के हल्के बादल भी देखे जा सकते हैं। मौसम विभाग ने ये भी बताया कि कोंकण क्षेत्र में एक ट्रफ लाइन बनती नजर आ रही है। ये ट्रफ लाइन मध्य प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्से की ओर बढ़ रही है। हालांकि इस ट्रफ लाइन से किसी प्रकार की मानसूनी गतिविधि पर कोई असर नहीं होगा। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि अगले दो दिनों में मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस उत्तर भारत की तरफ आ सकता है। इस डिस्टरबेंस के आने से कुछ क्षेत्रों में मौसम में बदलाव हो सकता है। खंडवा में मौसम में आए बदलाव के बीच तापमान में बढ़ोतरी हुई है। 1 अक्टूबर को खंडवा का अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारिश के अभाव में आसमान साफ होते ही तेज धूप खिली, जिससे तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। मौसम विभाग ने 2 अक्टूबर को बादल छाए रहने की संभावना जताई है, साथ ही हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। खंडवा जिले में अब तक औसत बारिश 808 मिमी के मुकाबले 914 मिमी दर्ज की गई है। इस आंकड़ा से पता चलता है कि इस मानसून सीजन में बारिश सामान्य से ज्यादा हुई है, लेकिन अब मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि मानसून की विदाई का समय आ गया है। प्रदेश के मौसम में आए इस परिवर्तन से नागरिकों में गर्मी और उमस की वापसी की चिंता बढ़ गई है। जैसे जैसे मौसम साफ हो रहा है, तापमान में वृद्धि होना स्वाभाविक है। इससे नागरिकों को अपनी दिनचर्या में बदलाव लाने की जरूरत पड़ेगी। अब लोग गर्मियों के कपड़े पहनने की तैयारी कर रहे हैं और बाहर निकलने का समय भी बदल सकते हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में मौसम में हल्का बदलाव आ सकता है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के असर से कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। ये ध्यान में रखते हुए नागरिकों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का मौसम अब गर्मियों की ओर बढ़ रहा है। मानसून की विदाई की प्रक्रिया जारी है। आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है।